उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना लूलू मॉल पहले ही दिन से विवादों में घिरा है। नमाज को लेकर लूलू मॉल में विवाद हुआ था और उसी विवाद के बीच हिंदूवादी संगठनों ने धमकी दे डाली थी। वो धमकी ये थी कि अगर नमाज पढ़ी गई है तो हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो हुआ भी। हिंदूवादी संगठन के लोग सड़क पर उतर आए, लूलू मॉल में हंगामा करने लगे, जिससे लोगों के आने जाने पर काफी परेशानियां होने लगी। उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लूलू मॉल को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। तो यह बयान था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि लूलू मॉल के बाहर कोई प्रदर्शन करता नजर आया, अनावश्यक तौर पर अगर हंगामा करता नजर आया तो उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ प्रशासन को सख्त आदेश दिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जगत गुरु परमहंस पहुंच गए लूलू मॉल के बाहर और ये जगत गुरु वही हैं कि जिन्होंने जल समाधि लेने की बात की थी कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। आज ये पहुंचे लूलू मॉल का शुद्धिकरण करने के लिए और जब योगी के आदेश अनुसार पुलिस प्रशासन ने इनको रोकने की कोशिश की, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सिर्फ अधिकारियों से खुद को छुटाते नहीं बल्कि अधिकारियों से बाकायदा तौर पर बदतमीजी करते नजर आए, बदसलूकी करते नजर आए और खाकी का अपमान करते नजर आए और इन्होंने तर्क ये दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवा को रोकने की, तुमने भगवा पर हाथ कैसे डाला। ये महाराज जी का बयान है, इस बयान को सबसे पहले आप सुन लीजिए। लूलू मॉल के बाहर खड़े हुए हंगामा करते और खाकी को धमकाते हुए ये साहब लूलू मॉल का शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भगवा को तुमने हाथ लगाया, जबकि योगी आदित्यनाथ का भी आपको हमने बयान सुनाया है और यह ताजा बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि कोई भी अनावश्यक तरीके से और लूलू मॉल के बाहर अगर प्रदर्शन करता नजर आया या कोई इस तरह की गतिविधि को अंजाम देता नजर आया कि जिससे
आम लोगों में बेचैनी फैले और लोग वहां से दूर हट जाएं, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अब इन महाराज जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और खास तौर से योगी जी की लखनऊ पुलिस कार्रवाई करेगी और इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और ये जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे क्या? तो नमाज को लेकर छिड़ा लूलू मॉल का यह विवाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि मॉल जिस मकसद से बनाया गया है, अगर उस मकसद के बीच कोई भी आया, उसमें कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मॉल में आने जाने वाले आम लोगों को अगर किसी के प्रदर्शन की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को सख्त आदेश दे दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने कि आप सुरक्षा के सख्त इंतजाम कीजिए। मॉल जिन मकसदों के तहत बनाया गया है, मॉल में अगर किसी तरह से कोई भी परेशानी आई तो फिर प्रशासन भी इसका जिम्मेदार होगा, और प्रशासन किसी भी तरह से अगर ढील छोड़ता नजर आया तो प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ का आज यह बिल्कुल ताजा बयान है जो हमने आपको अभी अभी सुनाया है। आप जानते हैं कि लूलू मॉल में जिस तरह से कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद उस पूरे मामले में कई कड़ियां सामने आई और कई परतें खुलती हुई नजर आई। कहा गया कि साजिश के तौर पर नमाज पढ़ी गई, मात्र 18 सेकंड में नमाज खत्म हो गई। 18 सेकंड की यह नमाज कैसे पढ़ ली गई कोई बताएगा? क्योंकि अगर कोई मुसलमान है तो वो नमाज अगर पढ़ रहा है तो वो 18 सेकंड में कोई सी भी नमाज हो खत्म नहीं की जा सकती, ऐसा प्रशासन ने जांच के दौरान पाया है। बताया जा रहा है कि ये युवक अपनी अपनी गाड़ी और बाइकों को साइड में लगाकर मॉल से दूर खड़ी करके सिर्फ मॉल में नमाज पढ़ने ही आए थे और इसको एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। तो क्या ये साजिश वाली नमाज मानी जाए? क्या यह समझा जाए कि एक तरफ हिंदूवादी संगठन है जो हनुमान चालीसा को बहाना बनाकर माहौल बिगाड़ते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये 18 सेकंड वाली नमाज पढ़ के माहौल बिगाड़ते हैं? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हिंदूवादी संगठनों के लोग जो मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अनावश्यक प्रदर्शन करता नजर आया या हंगामा करता नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं कि आप सख्ती से निमटिए। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज हो या पूजा हो, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से सख्त है और अपने फैसले पर अटल है। न पूजा, न नमाज, न हनुमान चालीसा, न सुंदरकांड, ये कोई भी चीजें सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई करता नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लूलू मॉल का यह पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लूलू मॉल का यह विवाद देश में चल रही कुछ ऐसी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए है कि जो महंगाई को लेकर है। महंगाई को लेकर लगातार देश की आम जनता परेशान हो रही है। महंगाई को लेकर लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं। उन आवाजों को दबाने के लिए अब लूलू मॉल का नया विवाद शुरू किया गया है, ऐसा कई बुद्धिजीवियों का मानना है। और साफ साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि यह जो नमाज 18 सेकंड की पढ़ी गई है, पुलिस ने जांच कर ली है, अब बस नाम सामने आना बाकी है कि किन लोगों ने यह नमाज पढ़ी और उनके तार कहां जाकर जुड़ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस पूरे मामले पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं और लूलू मॉल को विवादों में घेरने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बयानबाजी पर भी रोक लगाई जाए। लूलू मॉल को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, सड़क पर जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है।